जो हर झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बोकारो जिला, जो कि झारखंड राज्य का एक जिला है। झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं, उन्हीं में से बोकारो एक जिला है। तो इस बोकारो जिला का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं कि बोकारो जिला का शिशु लिंगानुपात कितना है। उससे पहले थोड़ा आप लोग समझ लीजिए कि झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है। प्यारे दोस्तों, झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात 948 प्रति हजार है, और बोकारो जिला का शिशु लिंगानुपात 923 प्रति हजार है। प्यारे दोस्तों, लिंगानुपात का मतलब क्या, लिंगानुपात का मतलब 1000 बालक है तो 948 बालिका है, 1000 बच्चे हैं तो 948 बच्चियां हैं। बच्चा बच्ची मतलब मेल और फीमेल, 1000 मेल और 948 फीमेल, 1000 मेल 923 फीमेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिंगानुपात का मतलब 923 बटे 1000, इसका मतलब 1000 बच्चा है तो 923 बच्ची है, बच्चियां हैं। और जब मैं शिशु की बात करता हूं तो शिशु का मतलब 0 से लेके 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का जिक्र किया जाता है। और चलिए लगे होता हूं लिंगानुपात भी देख लीजिए कि बोकारो जिला का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए, सबसे पहले झारखंड राज्य का लिंगानुपात देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य का लिंगानुपात 948 प्रति हजार है, और बोकारो जिला का लिंगानुपात 922 प्रति हजार है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय झारखंड।